अर्थव्यवस्था के सन 1991 1991 जैसी जबरदस्त हुई बदहाली आदि के कारण पूरे देश में व्याप्त अति महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी की मार आदि ने काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोगों का जीवन त्रस्त करके रख दिया है और जिससे अब भाजपा के प्रति व्यापक जन आक्रोश व्याप्त है तथा इनका रेटिंग ग्राफ भी काफ़ी गिरा है। तो ऐसे समय में कल मीडिया के एक हिंदी न्यूज चैनल द्वारा यूपी में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होने पर भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले बार के 40 से भी अधिक दिखाने का इनका प्री पोल सर्वे प्रायोजित ही नहीं बल्कि लोगों को ये हवा हवाई शरारतपूर्ण व भ्रमित करने वाला ही ज़्यादा लगता है, तो इस बारे में ये कहना अनुचित नहीं होगा। और इस संदर्भ में सी वोटर्स के इस चुनाव के सर्वे पर हमारी पार्टी का ये मानना है कि इनका ये सर्वे वैसे ही गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा है जिस प्रकार से यहाँ सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल होने के बावजूद भी हर प्री पोल सर्वे उस समय हर प्री पोल सर्वे पक्षपाती तौर पर बीएसपी की सरकार बनाने की बात कबूल कर लेने की बजाय केवल हमारी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरने की ही बात कर रहा था, जबकि उस चुनाव में रिजल्ट आने पर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इसलिए वर्तमान के इस प्री पोल सर्वे को भी पूर्णतः हवा हवाई शरारतपूर्ण व भ्रामक करने वाला ही कहा जाए तो ये कतई भी उचित नहीं होगा, ये कतई भी अनुचित अर्थात गलत नहीं होगा। साथ ही इससे इनका खास मकसद भाजपा को मजबूत दिखाते रहने से ज़्यादा बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराना ही लगता है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी के लोग पहले से ही इस प्रकार के षड्यंत्रों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस सर्वे के भी बहकावे में वे कतई भी आने वाले नहीं हैं, बल्कि इस सर्वे की चुनौती को स्वीकार करते हुए अब वे और भी ज़्यादा जिद, जोश, हिम्मत व मेहनत के साथ काम करेंगे। मुझे अपने लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है। साथ ही उन्हें ये भी मालूम है कि जैसे जैसे खासकर यूपी विधानसभा का आम चुनाव नज़दीक आता जाएगा तो वैसे वैसे बीएसपी विरोधी तत्वों का षड्यंत्र और भी अधिक संकीर्ण, ओछा, विषैला व शरारतपूर्ण न्यूज़ वाला होता जाएगा। जैसा कि हर चुनाव के पहले भी यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज भी भाजपा के द्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये से दुखी होकर अब अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ बीएसपी के साथ काफ़ी तेज़ी से जुड़ा है। उससे भाजपा की ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस सहित सभी बहुतों अन्य और बहुतों की भी बौखलाहट स्पष्ट तौर पर बढ़ी है और यही मुख्य कारण है कि जब से बीएसपी के तत्वधान में तो प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे यूपी का ये जो दौर है
आज ख़त्म हो जाएगा और इसका समापन जो पहले चरण का जो समापन जो प्रोग्राम होगा इस प्रभु सम्मेलन के कार्यक्रम का, तो वो 7 तारीख को होगा। उसके बाद फिर हम दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे ये जो प्रबुद्ध समाज को तैयार करने के लिए। तो इसको लेकर जब से ये कामयाब हुए बड़े दुखी हैं, और इतना ही नहीं अब तो ये BSP की नकल करके भारतीय जनता पार्टी अब खुद अपने प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए जा रही है। तो ये तो जो पार्टी BSP की नकल कर रही हो, अन्य पार्टी भी कर रही हो, और उनको प्री पोल सर्वे में नंबर 1 पे दिखाया जाए और BSP को कहीं भी ना दिखाया जाए, बहुत पीछे दिखाया जाए, तो ये क्या शरारत पूर्ण इनका सर्वे नहीं लगता है तो क्या लगता है। और मैं ये देख रही थी कल, मैं जब इस सर्वे को देख रही थी तो वहाँ पर जो विश्लेषण करने वाले लोग बैठे हुए थे या हर पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए थे, मैं उनके चेहरे देख रही थी। तो जब वो हिंदी न्यूज़ चैनल तो सी वोटर्स का सर्वे दिखा रहा था और वो लोग बैठे हुए विश्लेषण करने वाले और सभी प्रवक्ता पार्टियों के बैठे हुए थे, तो जब वो दिखा रहा था, हालांकि वहाँ लेडी थी, वो जब वो बता रही थी तो किसी के गले से नहीं उतर रहा था, चेहरों से स्पष्ट तौर पर ये लग रहा था मुझे। और जब एक विश्लेषण करने वाले ने तो थोड़ा सही बोलना चाहा तो उसको रोक दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भी कुछ इतना जल्दी ये जो प्री पोल सर्वे दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब ये लोग सर्वे वालों को भी मैनेज करके अपनी हवा बनाने के लिए तो इस किस्म का षड्यंत्र वो रच रहे हैं, और इनका मकसद अपनी हवा बनाना कम है, BSP की जो जनाधार आगे बढ़ा है उसको रोकना, BSP के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना इनका ज़्यादा लगता है। लेकिन इन्हें शायद मालूम नहीं है कि BSP के लोगों को इस किस्म के सर्वे पे कभी कोई भरोसा नहीं रहा है, और ना अभी भरोसा करने वाले ना आगे करने वाले, उनको काफ़ी ट्रेंड हम लोग कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, यदि ये सभी विरोधी पार्टियां सन 2012 के हुए विधानसभा आम चुनाव की तरह BSP को फिर से नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के खिलाफ अंदर अंदर एक हो जाएं, तो ये भी कोई नई बात नहीं होगी। सन 2012 में आपने देखा होगा कि जब लगा कि BSP कहीं फिर से एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके सत्ता में ना आ जाए, तो अंदर अंदर जो विरोधी पार्टियां, चाहे सपा है, BJP है, कांग्रेस, जो एक दूसरे की विरोधी रही, लेकिन BSP को रोकने के लिए सन 2012 के विधानसभा आम चुनाव में ये सारी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई, ये भी जनता अच्छी प्रकार से जानती है। और ये लोग लगेगा कि BSP अब पावर में आ रही है, तो ये सन 2012 की तरह फिर से इस किस्म का षड्यंत्र रच सकते हैं, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए हमारी पार्टी के लोगों को अभी से ही काफ़ी इनको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। अतः अब मैं यही कहना चाहूँगी कि BSP के लोगों को ऐसी सभी परिस्थितियों का भी डटकर सामना करने के लिए इन्हें अब हमेशा तैयार रहना है।